दो एसी, चार पंखे, एक फ्रिज, एक वाटर पंप, सारा दिन फ्री में चलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। मोहतरम सामीन, आज की इस वीडियो में आपको पूरे तफसील से 6 किलोवाट सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें लगती हैं और उसका कुल खर्चा कितना आएगा, उसके अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ख़रीदनी है और अपने घर के अंदर दो एसी, चार पंखे, एक फ्रिज, एक वाटर पम्प एक साथ चलाकर आप सोलर सिस्टम में अपनी बिजली की पैदावार में इजाफा करें और बिजली के भारी भारी महंगे बिलों से भी निजात हासिल कर सकते हैं। मोहतरम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच सके। मोहतरम सामीन, अगर आपके घर में दो एसी हैं और चार पंखे चलते हैं, एक फ्रिज है और इसके साथ साथ आपका एक वाटर पम्प भी जो है वो सारा दिन फ्री में चलाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो बेहतरीन सोलर सिस्टम होगा वो 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। और इसके अंदर आपको कौन सा इन्वर्टर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कारकर्दगी के लिहाज से भी बेहतरीन पैदावार सलाहियत रखता है, तो आज की वीडियो को तफसील से एंड तक लाजमी देखना है। तो सबसे पहले देखें, आपको जो सोलर पैनल होंगे वो तकरीबन 10 से 12 सोलर पैनल लगाना होंगे। 10 से 12 सोलर पैनल लगाने के बाद आपको एक सोलर इन्वर्टर की जरूरत होगी और 6 किलोवाट सोलर इन्वर्टर आपने अपने साथ लगाना है, तो वो भी आप देखें कौन सा होगा, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा उसमें जो वायरिंग इस्तेमाल की जाएगी वो कितने में पड़ेगी, आपका जो 10 से 12 जो सोलर पैनल लगेंगे उसके अंदर जो स्टैंड होगा उसकी कीमत क्या होगी, इसी तरह उसके अंदर एक और डीवी बॉक्स लगता है उसकी कीमत क्या होगी और कुल खर्चा कितना होगा। तो सबसे पहले देखें, आपने सोलर पैनल खरीदने हैं, आप किसी भी कंपनी के सोलर पैनल खरीद सकते हैं। जो मैंने अपने घर में सोलर पैनल लगाए हुए हैं वो एपेस कंपनी के हैं, जो उस वक्त रेट जो इसका मिला था मुझे फरवरी के अंदर खरीदे थे तकरीबन 52 रुपये पर वाट के हिसाब से, लेकिन आजकल मार्केट के अंदर सोलर पैनल की कीमतें गिर चुकी हैं, तो इस सोलर पैनल की कीमतों में कमी की वजह से आज वो सोलर पैनल आपको 39 से 40 रुपये पर वाट आसानी से मिल जाता है। और इसके अलावा आपने एक सोलर इन्वर्टर लेना है तो सोलर इन्वर्टर के लिहाज से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जूनिक का जो PV8500 है, इसमें आप 6 किलोवाट का ये सोलर इन्वर्टर है जिसके अंदर आप बिजली की पैदावार में आप देखें 5500 जो है वाट तक आराम से आसानी से जो है आप अपने घर का सारा लोड एक बार ही चला सकते हैं, जिसके अंदर दो एसी भी आपके आराम से चल जाते हैं और इसके अलावा आपका फ्रिज भी और वाटर पंप भी अगर आप एक साथ चलाना चाहें तो ये 5200 तक 5500 तक आराम से जो है ये सारा दिन आपकी फ्री बिजली पैदा करता रहता है। तो इसमें आपको देखें इसका कुल खर्चा कितना होगा, अगर आप 40 रुपये पर वाट के हिसाब से किसी भी कंपनी के सोलर पैनल अगर आप जिनको लेना चाहते हैं, लॉन्जी लेना चाहते हैं या इसके अलावा कैनेडियन लेना चाहते हैं, तो हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि आपने हमेशा एन टाइप सोलर पैनल खरीदने हैं। तकरीबन देखें 10 सोलर पैनल आराम से इसके साथ लग जाते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि अगर आप बिजली की ज़्यादा पैदावार, अगर आपका लोड ज़्यादा है तो कम अज़ कम 12 सोलर पैनल आपने लाजमी लगाने हैं। अब इस 12 सोलर पैनल के साथ आपको 3 स्टैंड लगाने पड़ेंगे, हर एक स्टैंड पर आपको देखें जो है 4 सोलर पैनल आसानी से लग जाते हैं, तो इस तरीके से 3 जो सोलर स्टैंड आप लगाएंगे उसकी कीमत तकरीबन 20 से 22 हज़ार तक जाकर आसानी से आपको मिल सकती है। इसके अलावा उसके अंदर जो वायरिंग के लिहाज से होगा वो 6 mm की वायरिंग आपने इस्तेमाल करनी है और इंस्टॉलेशन के अंदर किसी माहिर कारीगर से ही ये इंस्टॉलेशन करवानी है। और इसके अंदर देखें आप अपने घर के हिसाब से 14 हज़ार तकरीबन जो है आपको एक रोल जो है वो मिल जाता है, जो आप अपने घर के लिहाज से फासले के लिहाज से दे सकते हैं कि कितना आपका ये खर्चा होगा। इसके अलावा इसके अंदर नट बोल्ट वगैरह भी लगते हैं, तो नट बोल्ट में भी आपने देखें जो अच्छे लेने हैं तो ये भी आपका कुल खर्चा तकरीबन 3 से 4 हज़ार एसेसरीज के लिहाज से भी ये भी लग जाता है। इसके बाद देखें जो सबसे बड़ी अहम चीज़ होती है वो सोलर इन्वर्टर है, जो मैंने अपने घर में लगाया है वो PV8500 सोलर इन्वर्टर है, 6 किलोवाट का है, तो इसकी बिजली की पैदावार की सलाहियत भी बेहतरीन है और इसको अगर आप शेयरिंग के साथ करेंगे मीटर के साथ भी आसानी से आपको अच्छी खासी पैदावारी सलाहियत देगा, बिजली के यूनिट पैदा करके देता है। इसकी कीमत देखें आजकल जो मार्केट के लिहाज से सोलर इन्वर्टर के अंदर कीमत तकरीबन 1 लाख
80 से 1,85,000 के दरमियान आपको आसानी से मिल जाती है। और इसके अलावा देखें, आपने इसके साथ डीवी बॉक्स लगाना है किसी भी अच्छी कंपनी का, आपको 18 से 20 हज़ार के अंदर ये डीवी बॉक्स जो है आसानी से जो है लगभग। तो देखें, किसी माहिर कारीगर से इंस्टॉलेशन करवानी है। उसके बाद देखें, जो सोलर पैनल की कारकर्दगी मैंने चलाई हुई है, मैंने 2 AC भी साथ चलाए हुए हैं, फ्रिज भी चलाया हुआ है, और उसके साथ अगर मैं मोटर भी चला लेता हूँ तो तकरीबन ये 4200 वाट तक जो है आसानी से चल जाता है। और बगैर अगर मैं शेयरिंग के भी चलाऊं तो इसको सारा दिन आसानी से चला सकता हूं। और इसके अंदर देखें, अगर आप शेयरिंग करेंगे तो आपका दो पर डे के लिहाज से 2 से 3 यूनिट जो है खर्च होते हैं। तो मेरा मशवरा है कि आप डीबी बॉक्स के अंदर ऐसा जो है आपने ब्रेकर लगाना है कि जिसके अंदर आप शेयरिंग को ख़त्म भी करवा सकते हैं, यानी अगर आप दिन में बगैर शेयरिंग के भी चलाना चाहते हैं तो इस बटन को बंद कर दें, फिर भी देखें आपका सारा दिन जो है तकरीबन 4 से 5 बजे तक ये सोलर सिस्टम आसानी से आपको चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपकी जो बिजली की बचत होगी काफ़ी हो जाएगी। अगर देखें, अगर आप 2 AC घर में चलाते हैं या एक फ्रिज है उसके साथ, और उसके साथ आपका एक वाटर पंप भी चलता है, तकरीबन देखें वो आपके 800 से 900 यूनिट जो है कंज्यूम करता है। और 800-900 यूनिट के लिहाज से अगर आप मुवाजना करें तो आपका बिजली का बिल तकरीबन 50,000 तक महाना 55,000 तक आता है। लिहाजा अगर आप देखें ये सोलर सिस्टम लगाएंगे 6 किलोवाट का, तो तकरीबन आपका महाना बिजली का बिल, अगर आप इसके साथ बैटरी भी ना लगाएं, बैटरी के बगैर भी ये सोलर सिस्टम जो है इन्वर्टर काम करता है, तो आपका महाना बिजली का बिल 25,000 तक आ सकता है। और अगर आप देखें, अगर इसके साथ बैकअप लेना चाहते हैं तो इसके साथ आपको 4 बैटरियां जो होंगी 48 वाल्ट की आपको साथ लगाना पड़ेंगी। अगर आप एक लिथियम बैटरी भी लगा लें जिसकी मुद्दत जो होती है कारकर्दगी 10-12 साल तक भी आसानी से चल सकते हैं। तो ये सोलर सिस्टम से आप काफ़ी जो है आसानी से बिजली की बचत कर सकते हैं, और महाना 800 से 900 यूनिट जो है आपको ये सोलर जो इन्वर्टर है और सोलर पैनल है, ये जो सोलर सिस्टम है ये आपको पैदा करके देता है। इस तरीके से आप महाना बिजली का बिल भी जो है वो कम कर सकते हैं, और जितना भी आपका जो देखें ये टोटल खर्चा होगा वो 2 साल के अंदर आपका पूरा हो जाएगा। बाकी जो जितने भी आपके ये सोलर सिस्टम चलेगा तकरीबन 20 से 25 साल तक सोलर पैनल की जो वारंटी होती है वो आपको इसमें इस्तेमाल में आती है। तो लिहाजा देखें, तो इसके अलावा आप देखें जो गर्मियों के ये चंद महीने होते हैं जिसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है, जो ही देखें सर्दियां आ जाती हैं तो इसके बाद देखें आपकी बिजली के यूनिट जो है काफ़ी इसमें बचत भी हो सकती है। और इस सोलर इन्वर्टर की एक खूबी ये भी है कि इसके साथ आप ग्रीन मीटर भी लगवा सकते हैं, जो आजकल देखें ग्रीन मीटर पर अगरचे पाबंदी लगा दी गई है लेकिन इसके अलावा ग्रास मीटरिंग भी आ रही है, तो इसकी बचत से आप इजाफी 30 से 35 यूनिट जो है वो भी रोज़ाना आपको पैदा करके दे सकता है। तो बेहतरीन किस्म का ये सोलर सिस्टम है जो मैंने अभी अपने घर में आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये बता रहा हूँ कि ये बेहतरीन किस्म का सोलर सिस्टम, अगर 6 किलोवाट अगर आपके घर के अंदर 2 AC है और इसके साथ एक फ्रिज भी वाटर पंप भी जो है सारा दिन फ्री में आसानी से चला सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।